गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा. आज हम BSc पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फिफ्थ में फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स के अंतर्गत सर्वप्रथम हम नेचुरल फैट्स या फैट्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे. फैट्स क्या होते हैं? फैट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित. तो प्रकृति में जो पाए जीव जंतु अथवा वनस्पति आदि में जो तेल या मोम जैसे कुछ चिकने कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जैविक झिल्लियाँ बनाते हैं और कोशिका में ऊर्जा के भंडार के रूप में विद्वान रहते हैं. रासायनिक दृष्टि से ये कैसे होते हैं? उच्च अणुभार वाले एस्टर होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? लिपिड. तो ये क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वसा. ये लिपिड तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट सिंपल, सेकंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड लिपिड्स, थर्ड होते हैं डेरिवेटिव्स लिपिड्स. फर्स्ट होता है सरल लिपिड. ये क्या होते हैं? सरल लिपिड उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा विभिन्न एल्कोहलों के एस्टर होते हैं. इनमें वसा व तेल उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर होते हैं, जबकि मोम इन अम्लों तथा उच्च अणुभार वाले एल्कोहलों के एस्टर होते हैं. सेकंड देखेंगे जटिल लिपिड. ये ऐसे एस्टर होते हैं जो कि जल अपघटन के द्वारा होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल या ग्लिसरॉल के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी बनाते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, फास्फोरिक अम्ल, वसा अम्ल व एल्कोहल के संयोग से बने होते हैं. जीवों की कोशिका झिल्लियों का निर्माण इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा होता है. थर्ड होता है लिपिडों के व्युत्पन्न. लिपिडों के व्युत्पन्नों में विभिन्न श्रेणियों के वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, एल्कोहल, उच्च अणुभार वाले जैसे कोलेस्ट्रॉल, मिरिसिल एल्कोहल, सिटिल एल्कोहल आदि, कैरोटीन, स्क्वेलिन जैसे हाइड्रोकार्बन व कोलिन जैसे बेस का उल्लेख कर सकते हैं. लिपिड प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सभी वनस्पतियों एवं एनिमल्स में पाए जाते हैं. लिपिड युक्त पदार्थ का यदि एथिल ईथर, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म के साथ यदि हम निष्कर्षित करवाया जाए तो उस विलयशील निष्कर्ष को कच्ची या अपरिष्कृत या क्रूड फैट्स कहते हैं. इस क्रूड फैट्स में वास्तविक वसा के अतिरिक्त मोम, जटिल तथा व्युत्पन्न लिपिड के अतिरिक्त हार्मोन्स, वाष्पशील तेल आदि भी उपस्थित रहते हैं. यदि हम इस क्रूड वसा को NaOH जैसे बेस के साथ गर्म करें तो वसा, मोम, जटिल लिपिड एवं मुक्त अम्ल तो साबुन बनाकर जलीय सतह के रूप में वितरित हो जाते हैं. ग्लिसरॉल व फास्फेट आदि जल में घुल जाते हैं और स्टीरोल, पिगमेंट, हाइड्रोकार्बन आदि जल के अंदर अविलयशील रहते हैं. जैसे हम देखें जो ये क्रूड वसा है वो NaOH के साथ साबुनीकरण के द्वारा वसा अम्लों की सोडियम लवण प्लस ग्लिसरॉल बनाती है. मोम फास्फेटाइड या फास्फोलिपिड NaOH के साथ वसा अम्लों के सोडियम लवण, एल्कोहल या और फास्फेटाइड क्या बनेंगे? वसा अम्लों के सोडियम लवण, ग्लिसरॉल, Na3PO4 और एमीन बनाता है. इसी प्रकार स्टीरोल हाइड्रोकार्बन पिगमेंट NaOH के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये साबुनीकरण के योग्य नहीं होता. तो लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को वसा कहते हैं. चूंकि ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है जबकि वसा अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के होते हैं, अतः ट्राईग्लिसराइड होते हैं जो कि जल अपघटित होकर 3 मोल तो क्या देते हैं? ग्लिसरॉल व 1 मोल, 3 मोल तो वसा अम्ल बनाएंगे और 1 मोल क्या बनाएंगे? ग्लिसरॉल. जैसे ये वसा है जल अपघटित होकर ग्लिसरॉल का 1 मोलिकुल और 3 मोलिकुल किसके बनाएगा? वसा अम्ल का. कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम वसा अम्ल इसी कारण से पड़ा कि ये वसाओं के जल अपघटनों द्वारा प्राप्त होते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड तापमान की सामान्य परिस्थिति में ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे कि मक्खन है, घी है, और इन्हें हम वसा ही कहते हैं. लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड तापमान की सामान्य परिस्थिति में द्रव अवस्था में होते हैं जैसे कि विभिन्न खाद्य तेल जिन्हें कि हम ऑयल कहते हैं, वो कैसे होते हैं? लिक्विड अवस्था में. संगठन की दृष्टि से वसा व तेल दोनों ही वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं. कभी कभी एक ही पदार्थ अलग अलग परिस्थितियों में वसा या तेल हो सकता है, जैसे
नारियल का तेल गर्मियों में तो तेल ही होता है क्योंकि वो लिक्विड रहता है, लेकिन सर्दियों में वो जम जाता है या ठोस अवस्था में अर्धठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैट। सामान्यतः वसाओं में विद्यमान कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला संतृप्त होती है, जबकि तेलों में कैसी होती है, असंतृप्त होती है। ये है गिल्सोट्राइस्टिरेट, ये क्या है, वसाएं, इसमें क्या है, संतृप्त बंद होते हैं। यहाँ हम देखें गिल्सोट्राइओलिएट, इसमें क्या होते हैं, यहाँ डबल बोन, असंतृप्त होता है, तो ये क्या है, तेल। तेल तथा वसाएं दो प्रकार के ग्लिसराइडों में पाए जाते हैं, पहला है सरल और दूसरा होता है मिश्रित। ग्लिसराइड जब एक ही प्रकार के वसा अम्लों, जब अणु एक ही प्रकार के वसा अम्लों से जुड़े बने हुए हों, जैसे कि गिल्सोट्राइस्टेरॉइड, इसमें एक ही तरह के वसा अम्ल हैं, गिल्सोट्राइपोमेट में भी एक तरह के हैं। दूसरा है मिश्रित ग्लिसराइड, जिनके अंतर अणुओं में दो या तीन प्रकार के वसा अम्ल हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ देखें गिल्सरो एल्फा पोमिटो एल्फा डैश बीटा डाई ओलिए, यह है गिल्सरा ओलियो पोमिटो स्टेरियोट। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि भोजन में संतृप्त वसाओं की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो इससे क्या होता है, हार्ट के खतरे बढ़ जाते हैं, जबकि असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैट से खतरा कुछ कम रहता है, इसीलिए डॉक्टर हमें घी आदि का उपयोग कम करने की सलाह देते हैं और उसकी स्थान पर कम मात्रा में तेल का उपयोग करने की सलाह देते हैं। वनस्पति मूल के खाद्य एवं औद्योगिक तेल। तेल तथा वसाओं का मूल स्रोत जीव जगत ही है, मक्खन चर्बी मछली का तेल आदि तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल्स किंगडम से, जबकि समस्त खाद्य तेल एवं कई औद्योगिक तेल वनस्पति जगत से प्राप्त किए जाते हैं। तेल के स्रोत के रूप में अधिकांश वनस्पतियों के बीज होते हैं जिन्हें कि हम क्रश करके तेल निकालते हैं। खाद्य तेलों के रूप में उन तेलों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कोई स्वाद ना हो और ना ही वो पकने पे खराब हो और अधिक दिनों तक वो टिकाऊ रहें, तथा जिन तेलों में मोनो असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा अधिक हो, ऐसे तेल पकाने के लिए अच्छे समझे जाते हैं, अतः इनका उपयोग खाद्य तेलों के रूप में करते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल है, तिल है। भारत में परिस्थितियों की विविधता है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में पाई एवं उगाई जाने वाली वनस्पतियों में भी विविधता रहती है। सामान्यतः किसी क्षेत्र में उसी तेल को प्रमुख खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसकी कि फसल उस क्षेत्र में प्रमुख रूप से होती है। इस सारणी में हम जैसे देखें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले खाद्य तेल कौन से, जैसे नारियल की बात करें हम, कोकोनट की, तो गोवा केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में इसकी अधिक मात्रा में उगाया जाता है, इस कारण से वहाँ इसी का यूज किया जाता है। मूंगफली तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक के दक्षिण भाग एवं आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन अधिक होता है और वहीं ज़्यादा उपयोग में भी ली जाती है। अलसी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में, सरसों उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी प्रांत जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल मध्य हिमाचल प्रदेश राजस्थान के कुछ भाग, करडी महाराष्ट्र का मरवाड़ा क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। तिल राजस्थान तमिलनाडु के दक्षिण भाग आंध्र प्रदेश का तटीय भाग तथा गुजरात में इसका उत्पादन अधिक किया जाता है, तो वहाँ इसको अधिक मात्रा में खाया जाता है। इनके अतिरिक्त भारत के अधिकांश क्षेत्रों में धान मक्की सूरजमुखी खजूर जैतून बिनोला सोयाबीन आदि की भी खेती होती है जिनके तेलों को खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अधिक काम में लिए जाने वाले तेलों में नारियल सरसों तिल मूंगफली के तेलों का उल्लेख हम कर सकते हैं। इन तेलों में 45-75% तक ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। इन ट्राइग्लिसराइडों में पाए जाने वाले वसा अम्लों में असंतृप्त ओइक अम्ल का प्रमुख योगदान होता है। आजकल पश्चिमी देशों की होड़ तथा विभिन्न शोध कार्यों के प्रकाश में आने से सूरजमुखी सोयाबीन खजूर जैतून बिनोले धान करड़ी या कुसुम के तेलों को भी खाद्य तेलों के रूप में प्रयोग किया जाना लगा है। इन तेलों को विभिन्न रासायनिक उपचारों के द्वारा रिफाइन करके इनके रंग गंध आदि को दूर कर लिया जाता है और इन रिफाइंड ऑयल्स को रूप में इन्हें मार्केट में ये बिकते हैं। इन तेलों में ट्राइग्लिसराइड की प्रतिशत मात्रा 18 से
20-22 प्रतिशत तक होती है। इन ट्राइग्लिसराइडों में पाए जाने वाले वसा अम्लों में अधिकांश कैसे होते हैं? असंतृप्त वाले लिनोइक एवं लिनोलिनिक अम्लों की उपस्थिति प्रमुख होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि अधिक असंतृप्तता वाले वसा अम्ल आसानी से विघटित हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट पर अधिक जोर नहीं डालते हैं, और हार्ट पेशेंटों को इन तेलों को प्रयोग में ले जाने की सलाह दी जाती है। प्लांट्स में मूल के विभिन्न तेलों का उपयोग प्रमुख रूप से खाद्य तेल रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन तेलों के कई अन्य उपयोग भी होते हैं। अरंडी का तेल औषधियों में, अलसी व बिनोले का तेल वार्निश व पेंट में आदि में भी प्रयुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त करीब करीब सभी खाद्य तेलों का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। वनस्पति मूल के कई अन्य तेल भी हैं जिनका उपयोग खाद्य तेल के रूप में तो नहीं किया जाता, लेकिन उनका विस्तृत औद्योगिक उपयोग है। कुछ प्रमुख वनस्पतिक पेड़ और उन तेलों के विस्तृत उपयोग की जानकारी हम निम्न सारणी में देख सकते हैं। जैसे धूपा है, वेटेरिका इंडिका, इसका उपयोग किस में किया जाता है? विशेष श्रृंगार साबुन, मोमबत्ती, मॉलिस के तेल एवं विभिन्न मिठाइयों में यह प्रयुक्त होता है। करंजा, पोनेंजा मिया पिनेटा, इसका उपयोग ग्रीस, स्नेहा, त्वचा का मरहम, मालिश का तेल, कपड़े धोने का साबुन, चमड़ा शोधन करने में एवं एपॉक्सी यौगिक बनाने में करते हैं। खाकन, सभी प्रकार के साबुन तथा मालिश का तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोकम, मरहम, प्रसादन, सूती धागों के कड़क बनाने में, औषधियों के निर्माण में किया जाता है। कुसुम, बालों में लगाने का तेल, कपड़े धोने एवं नहाने का साबुन बनाने में करते हैं। महुआ, मैडुहोका इंडिका, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? नहाने व कपड़े धोने का साबुन, मोमबत्ती, जूट व ऊन के उपचार के लिए, वनस्पति साबुन के निर्माण में, ग्रीस बनाने में तथा मिठाइयों के निर्माण में करते हैं। मारोटी, कैलोफिल्लम इंडिनोफिल्लम, औषधीय युक्त नहाने कपड़े धोने का साबुन बनाने में, औषधीय युक्त तेल बनाने में, फफूंद से बचाने के लिए नावों पर लगाने में प्रयुक्त करते हैं। नाहोर, इसका उपयोग एनामल पेंट को सुखाने में, मालिश का तेल बनाने में, त्वचा का मरहम, मुलायम एवं नहाने का साबुन बनाने में एवं एल्कोलाइड रेजिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नीम, एजेरिका इंडिका, कपड़े धोने का साबुन बनाने में, नहाने का साबुन, मुलायम एवं औषधि युक्त साबुन बनाने में, मालिश का तेल बनाने में, त्वचा मरहम बनाने तथा एनोक्सी यौगिक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। रतन ज्योत तेल का उपयोग कपड़े धोने का, नहाने का साबुन, मुलायम साबुन, स्नेहक बालों में लगाने का तेल, मोमबत्ती बनाने में, प्रदीप्त करने में तथा फैनिल बनाने में प्रयुक्त करते हैं। रबड़, इसका उपयोग पैंट, वार्निश तथा हर प्रकार के साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। साल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन बनाने तथा मिष्ठान बनाने में उपयोगी है। उंडी, कपड़े धोने एवं औषधि युक्त साबुन बनाने में, औषधि युक्त तेल बनाने में तथा नावों पर लगाकर उन्हें फफूंद रोधी बनाने में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऑयल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्रम में सामान्य वसा अम्ल एवं असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।